इंडिया गठबंधन में रविवार को फूलपुर में अराजकता देखने को मिली, जहां जमकर मारपीट और भगदड़ हुई, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। वहीं एक वरिष्ठ कैमरामैन भी गिरकर दब गए, जिन्हें चोटें आईं। इससे नाराज पत्रकारों ने सपा के जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया। फूलपुर संसदीय सीट पर प्रचार करने आए इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी और अखिलेश यादव पड़ीला में भाषण नहीं दे सके। सपा के पदाधिकारियों का कहना है कि तकनीकी खराबी के कारण माइक बंद हुआ तो अखिलेश यादव जिलाध्यक्ष पर नाराज हो गए। इसके साथ ही रैली की व्यवस्था खराब होने से दोनों नेता बिना संबोधित किए चले गए। सपा पदाधिकारियों का मानना है कि सपा के जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों पर निष्कासन की तलवार लटक रही है। प्रयागराज में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सभा में हंगामा हुआ। सभा में भगदड़ मच गई, कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस गए। कई लोगों के घायल होने की जानकारी आई है। सपा पदाधिकारियों का कहना है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को देखने के लिए भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस गई। तमाम कार्यकर्ता मंच पर चढ़ गए। इसके बाद राहुल और अखिलेश नाराज हो गए और बिना संबोधित किए दोनों नेता मंच से चले गए। वहीं भाजपा पदाधिकारियों का कहना है कि यदि इनकी सत्ता होती तो ये गुंडे क्या करते, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती।